कोरोना वायरस के बाद अक्सर लोग जब भी किसी नए वायरस की खबर सुनते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं, और लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस से कई जाने गई उसके चलते लोग काफी डरे हुए रहते हैं। लेकिन अब देश में चिकन पॉक्स का एक और नया वेरिएंट मिला है जिसकी इस वक्त खूब चर्चा है। ये कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। देश में लगातार कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना महामारी के बाद एक तरफ जहां केरल में निपा वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, तो वहीं लगातार सामने आ रहे डेंगू के केसेस ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दरअसल हाल ही में चिकन पॉक्स का एक नया वेरिएंट क्लेड 9 पाया गया है। आइए जानते हैं चिकन पॉक्स के इस नए वेरिएंट के लक्षण और बचाव क्या क्या हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पहली बार भारत में चिकन पॉक्स फैलाने वाले वेरिसेला जॉस्टर वायरस VZV के क्लेड 9 वेरिएंट की मौजूदगी दर्ज की है। अब तक ये वेरिएंट जर्मनी, UK और US जैसे देशों में फैल चुका है। वेरिसेला जॉस्टर वायरस 9 हर्पीज वायरस में से एक है जो बच्चों, किशोरों में चिकन पॉक्स और वयस्कों में दांत की वजह बनता है। अब तक भारत में इसके क्लेड 1 और क्लेड 5 वेरिएंट मिल चुके हैं, लेकिन क्लेड 9 पहली बार मिला है। तो आइए जानते हैं क्या है क्लेड 9। क्लेड 9 वेरिसेला जॉस्टर वायरस का एक प्रकार है जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है। ये बीमारी आमतौर पर बचपन में होने वाली एक बीमारी है। बात करें इस वेरिएंट के असर की तो देश में मौजूद इससे पिछले वेरिएंट की तुलना में क्लेड 9 से होने वाले संक्रमण की गंभीरता में कोई अंतर नहीं है। चिकन पॉक्स के वायरस के संपर्क में आने के 2-3 हफ्ते बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। दाने निकलने से पहले पीड़ित को बुखार, शरीर में दर्द और सिर दर्द होता है। इसके बाद मरीज के शरीर में दाने दिखाई देते हैं जिन्हें पपल्स कहा जाता है। बाद में तरल पदार्थ से भरे छोटे छाले होते हैं जिन्हें वेसिकल्स कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे करना है। सबसे पहले तो आप खांसी और छींकते समय ध्यान रखें, मुंह और नाक को ढकने के लिए रुमाल और टिश्यू का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने खान पान में ध्यान रखें, इसलिए अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें और उसी तरह की डाइट भी लें। इसके अलावा किसी के साथ भी अपने पर्सनल चीजें कभी शेयर नहीं करें, जैसे तौलिया, कपड़े और बर्तन। अगर आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स है तो आइसोलेशन अपनाएं, यानी खुद को दूसरों से दूर कर लें। इसके अलावा अगर चिकन पॉक्स हो चुका है आपको और आप ज्यादा गंभीर हैं तो इस सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।